2012 के इस हादसे ने सबको सोचने पर मजबूर किया। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी ने जैसे कसम खा ली कि ऐसा कोई हादसा फिर से हमारे देश में होगा ही नहीं। कानून बदला, कानून के रखवालों का नजरिया बदला, पर क्या सचमुच कुछ बदला? दिल्ली में ऐसे हादसे होते रहे, और दिल्ली में ही क्यों, देश के कई राज्यों में ऐसे हादसे हुए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं सुलगती एक आग हमारे सीने में? क्यों नहीं जागती हमारी चेतना? ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की भी, हमारी भी। ये केस एक याद है, ताकि हम ये कभी ना भूलें कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आज के वक्त की जरूरत है। लोग बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा। डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं, ट्रायल शुरू होने से पहले ही। जायज है उनका गुस्सा, इतनी हैवानियत, इतनी अमानवीय हरकत की है उन्होंने कि सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही कहा, इसलिए आगे क्या करना है ये तय करने से पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे रोका नहीं जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है सर, 6 आरोपी है और इनमें से एक के नाबालिग होने की संभावना है, उसकी जांच अभी तक जारी है और सारे आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दी गई है। क्या आपके बचाव के लिए कोई वकील है आपके पास? आप वकील नियुक्त नहीं कर सकते तो ये कोर्ट आपको एक डिफेंस लॉयर देने का इंतजाम करेगा। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आरोपियों के खिलाफ चार्जेस तय करती है। आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, आईपीसी सेक्शन 365 गलत इरादे से किसी को बंधक बनाने के लिए अपहरण करना, सेक्शन 395 डकैती, सेक्शन 396 डकैती के साथ हत्या, सेक्शन 412 डकैती द्वारा चुराई गई किसी की संपत्ति को अपने पास रखना, सेक्शन 307 हत्या की कोशिश, सेक्शन 376 सबसेक्शन 2G सामूहिक बलात्कार, सेक्शन 366 अपहरण करना या दबाव डालना, सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शन 397 सेक्शन 201 जुर्म से जुड़े सबूतों को छिपाना या मिटाना, और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। ये कोर्ट माइनर एक्यूज के खिलाफ ये चार्जेस तय करती है। आईपीसी सेक्शन 376 सबसेक्शन 2G गैंग रेप, सेक्शन 365 किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शन 397 रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 396 डकैती विद मर्डर, सेक्शन 412 डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ डकैती, सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 395 डकैती, सेक्शन 366 किडनैपिंग अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन, सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस एंड सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई का पहला दिन है। मैं आप सबको याद दिला दूं कि इस केस के 5 आरोपियों की पेशी आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
और इस केस का छठा आरोपी जो कि एक नाबालिग है उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में सुना जाएगा। ना सिर्फ पीड़ित सुहासी के माता पिता बल्कि पूरा देश न्याय का इंतजार कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये न्याय वाकई न्याय होगा, क्या ये सजा वाकई सजा होगी और फैसला कितनी जल्द होगा। कड़कती सर्दी के बावजूद आज रुक नहीं रहा था आम नागरिकों और युवा विद्यार्थियों का बांध। सख्ते में आ गए थे लोग इस अपराध के बाद। जाहिर हो रहा था उनका गुस्सा प्रशासन की निष्क्रियता पर, उसकी असंवेदनशीलता पर और दिन ब दिन बिगड़ते कानून व्यवस्था पर। यहां से कुछ ही दूर एक अस्पताल में 23 साल की एक लड़की हर सांस के साथ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। पेशेंट की कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। वेंटिलेटर से निकाल लिया गया है, अब वो खुद सांसें ले रही और उसे लिक्विड्स भी एडमिनिस्टर कराए जा रहे हैं। वक्त लगेगा फॉर श्योर, बट शी विल इंप्रूव। सुहासी एक बहादुर लड़की फाइटर है और हम सब मिलकर उसके साथ फाइट कर रहे हैं। डॉक्टर मेहरा, क्या सुहासी के साथ कोई कम्युनिकेशन हुई है? जी, हमारी बात हुई है उससे और हमने उसे बताया है कि पूरी इंडिया उसके साथ है और ये बात सुनकर उसे बहुत हौसला मिला है। सुहासी, कुछ कुछ कहता है तुझे मेरी बच्ची? माँ, मुझे ठीक होना है, मुझे जीना है माँ। आप लोग प्लीज हटिए, ऑपरेशन का टाइम हो गया है, आप लोग धीरज रखिए। सर, लड़का ठीक है, इंजरीज हैं, पर लड़की की इंजरीज? मेरे 30 इयर्स के करियर में मैंने ऐसी हैवानियत कभी नहीं देखी डॉक्टर जी। कोई ऐसा कर कैसे सकता है? सर, दूसरी पीसीआर भी उस बस को ट्रेस नहीं कर पाई। मुझे लगता है वो इस इलाके से निकल चुकी है। सर, उस बस के रास्ते में बहुत सारे होटल्स हैं, कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा ही। वो लड़का नीलेश बोल रहा था कि उसने बस के बैक साइड पर सेक्री लिखा हुआ देखा था, शायद किसी कैमरे ने कुछ कैप्चर किया हो। यस सर, हमारा एक सीसीटीवी कैमरा रोड की तरफ फेस करता है। हमें एक बस की तलाश है,
तकरीबन 9:45 गुजरी होगी यहाँ से। आपकी सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करना होगा। बस बस थोड़ा पीछे जाओ, यही है। सर इफ यू डोंट माइंड मे आई नो आप इस बस को क्यों ढूंढ रहे हैं? फिलहाल मुझे इस फ्रेम का ग्रैब चाहिए। क्विक। ओके सर। पुलिस को तलाश थी एक बस की, वो बस जिसमें ये बर्बरतापूर्ण वैश्याना अपराध हुआ था, वो बस जो 23 साल की सुहासी को इस गंभीर हालत में और उसके साथी निलेश को बुरी तरह से जख्मी करके पीछे छोड़ गई थी। छोड़ यार, फालतू का फंसेंगे, कुछ हुआ होगा। पुलिस बुला दो, पुलिस बुला दो, एम्बुलेंस बुला दो, अरे पुलिस बुला दो, पुलिस बुला दो कोई। पापा मैं मूवी देखने जा रही हूँ। किसके साथ जा रही सुहासी? निलेश के साथ पापा। कौन सी मूवी दीदी? लाइफ ऑफ पाई। अरे लेकिन लौटेगी कब? मम्मी मैं पिक्चर खत्म होते ही सीधे घर आ जाऊंगी और खाना भी घर आके ही खाऊंगी। संभाल कर जाना बेटे। जी पापा, बाय। थर्रा खत्म, रोकड़ा भी खत्म, अपनी भी एकदम कंगाली चल रही है। आज साला सबसे मनहूस इतवार था, पता है पूरे दिन मेरे ठेले पे फ्रूट भी नहीं बिका। अरे यार आज तो मैं भी कंगाल हूँ। अब आप सब उस्ताद लोग ही कड़की कंगाली की बात करोगे तो मेरा क्या होगा? देखता हूँ कुछ। देखो देखो भैया जल्दी सब कर लिए साली। मान भैया मतलब कंजूसी की हद होती है, है? पार्टी दे रहे हो 6 लोगों को और बोतल खरीद के ला रहे हो 3, ये भी कोई बात हुई? काय की पार्टी? कौन सी पार्टी? तुम लोग दारू का ठेका लेकर रखा क्या मैं? अरे अरे मोहन भैया बैठो, ये तू तू मैं ना सारी रात चली जाएगी, जो 2-4 आने का नशा चढ़ा है वो भी उतर जाएगा। सोचो और दारू कहाँ से आएगी, कोई जुगाड़ करो। भैया बस निकालो ना, थोड़ा कमाते फिर जम के पीते। हाँ उस्ताद, मनोज भाई ठीक बोल रहे, 2 द्वारका अप डाउन मारेंगे तो 2 बोतल के पैसे तो यूं ही निकल आएंगे। हाँ। मैं भी एक औरत और खुद को उतना ही असुरक्षित महसूस करती हूँ जितना कि आप। अंधेरे में अकेले बाहर जाने में मुझे भी उतना ही डर लगता है जितना कि आप, क्योंकि अंधेरे में कहीं
वो गिद्ध छुपे बैठे हैं जो शायद मुझे भी नोच सकते। मैं उनकी हंसी सुन सकती हूँ। किसी औरत को सताकर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है ना, मैं उसे देख सकती हूँ। मुझे नफरत होती है इस माहौल से, गुस्सा आता है। मुझे नहीं, मैडम को दो। बस बस बस, मैंने मम्मी को बोला था घर आके ही खाना खाऊंगी, मेरा हो गया। चलो 8:30 बज गए, चलते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए अपने घर निकल जाऊंगा, ठीक है? ये लो भैया, ठीक है। पालन चलोगे भैया? सर आगे देख लो, मुझे जाना नहीं है उधर, जमना पड़ जाना। पालन चलोगे? नहीं सर। भाई पालन बिहार चलोगे? नहीं सर। कमाल है यार, चक्कर क्या है, कोई ऑटो वाले जाने को तैयार ही नहीं है। सुनो नीलेश, हम एक काम करते हैं, मुनीर का तक चलते हैं, फिर वहाँ से बस ले लेते हैं, वो इजी रहेगा। ट्राई करते हैं। अरे भैया मुनीर का बस स्टैंड तक तो छोड़ दो यार, वहाँ से हम बस ले लेंगे। ठीक है सर, चल चल। हम मिला तो सही। तो भाई द्वारका द्वारका बस चल दिया, जाओ सर। तैयार क्या, तैयार बोलो, तैयार जो देंगे। चल चल बैठ जा, चल चल तैयार जाओ सर। चल ला भाई 20 रुपया। 20 रुपया काहे के लिए? बस इंतजार तो पास नहीं पड़ता है ना भाई। यो, पास पड़ते तो पैदल क्यों नहीं चले गए? अरे यहाँ मोल भाव नहीं करना है, ये प्राइवेट बस है, DTC की बस नहीं है जो सरकार के दामाद बनकर सवारी करो, समझे? हम 20 लेते हैं, 20 निकाल। लेकिन मैं, अरे वो भाई चुपचाप 20 रुपए दे दे लौंडे को, दिखने में छोटा है लेकिन तुझे पता है ना छोटी छुरी की धार कितनी खतरनाक होती है। मिस्त्री का काम करता हूँ, 2 दिन की मेहनत की कमाई है ये, पैसे और मेरा मोबाइल लौटा दीजिए। अबे बंदूक से निकली गोली और जेब से निकले पैसे कभी वापस नहीं आते। सोचा तूने हम भाइयों के लिए कमाया है हा? और हमें दारू पिला के ना पुण्य कमाया है। अरे मोहन भैया गाड़ी रोकना जरा, बोतल का इंतजाम तो हो गया। चलो मिस्त्री साहब उतर जाओ यहीं पर, तो कपड़े निकाल के नंगा दौड़ाएंगे सड़क पर, सर्दी का मौसम है जाएगी। चलो साहब साहब साहब
साहब। अबे क्या हो गया, कोई भूत-भूत देख लिया क्या? अभी अभी एक बस वाले ने मेरे 1000 रुपए और मेरा मोबाइल सब लूट लिए साहब। अभी अभी गए इधर से, अब पकड़ लीजिए ना उन्हें साहब। बस? जी। कौन सी बस बे, मन्ने तो कोई बस ना दिखाई दे रही है। पी रखा है क्या? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं पिया, उन लोगों ने पी रखा है। 6 लोग है बस में साहब, ड्राइवर भी पिया हुआ है साहब, पकड़ लीजिए ना अभी। ज्यादा क्या तेरा? राकेश, राकेश धवन है साहब। क्या काम करे? मिस्त्री हूँ साहब। इतनी रात गए, कौन से मिस्त्री की करता है? साहब काम खत्म करने में देर हो गई, मालिक से पैसा लेके वापस जा रहा था अपने घर वसंत विहार, वहीं रहता हूँ साहब। डीटीसी की बस थी? प्राइवेट बस थी, कुछ सिकरी ट्रबल कुछ लिखा हुआ था उसमें। अबे तब प्राइवेट बस में चढ़ा क्यों? तेरे अंदर कुछ घुसेड़ के फेंक देते तो। क्या मिस्त्री बाबू, प्राइवेट बस में कुछ भी हो सकता है, समझा? लेकिन लेकिन साहब देखिए, मैंने ये डबल ड्यूटी करके पैसा कमाया, घर पे बहुत दिक्कत हो जाएगा, अब कुछ तो कीजिए ना प्लीज। भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब साहब? देख भाई धवन, हम हौसकास थाने से हैं, तू एक काम कर, 100 दबा, कंट्रोल रूम से तुझे सही थाने के बारे में बता देंगे, वहां जाके रिपोर्ट लिखा दीजिए। लेकिन साहब 100 कैसे दबाऊं मैं, मेरे पास फोन भी तो नहीं है, उन लोगों ने छीन लिया ना साहब। रंदुगरी ना कर, दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे पीसीओ बूथ खुला रखे आम आदमी की सेवा के लिए। ये दिल्ली है दिल्ली, तेरा गाँव खेड़ा ना है क्या, समझा? चल निकल। लेकिन मेरे 1000 रुपए और मोबाइल। अरे भाड़ में गए तेरे 1000 रुपए और तेरा 2% का मोबाइल, हम यहाँ राजधानी की सुरक्षा के लिए तैनात है। अगर जनता का आक्रोश सड़कों पर ना उतर आता तो क्या प्रशासन कोई एक्शन लेता? हर बार की तरह इस बार भी कहीं लापरवाही नजर नहीं आती। ऐसा नहीं है, आप हालात को इस तरह पेश मत कीजिए जनता के सामने जैसे यहाँ कोई जंगल राज है। सड़क पर चलते हुए आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस है आपके पास? पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, एडिशनल फोर्स, पूरी ताकत के साथ स्टूडेंट्स की आवाज दबाने में लगी हुई है। आप मीडिया वाले पर्सपेक्टिव लूज क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि उन्हें मिसगाइड किया गया है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मोहरे बन गए हैं बेचारे बच्चे। जिसे आप मोहरा कह रहे हैं वो बेचारे बच्चे क्या चाहते हैं आपसे? यही कि आप उनकी बात सुने। फिर भी एक भी नेता, किसी भी पक्ष का, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि, अधिकारी, विपक्ष का कोई नेता आया उनकी बात सुनने के लिए? इनफैक्ट आपकी पॉलिटिकल क्लास के बहुत सारे नुमाइंदों ने इस मामले में इनसेंसिटिविटी का भरपूर प्रदर्शन किया है, इस जुर्म में भी और जब भी ऐसे केस होते आए। क्या वक्तव्य दे रहा है ये उसका निजी मामला है, ये सरकार की प्रेस रिलीज नहीं है। सर ये प्रशासन, ये एडमिनिस्ट्रेशन उन प्रदर्शनकारियों से मिलने को भी तैयार नहीं है। कैसे मिलेंगे? कोई डेलीगेशन है उनका? कोई नेता, कोई मिनिस्टर उनसे मिले भी इस भीड़ से तो कैसे मिले, किससे बात करे? दिस इज ए फेसलेस क्राउड। वैसे भी हम ऐसी कोई मिसाल नहीं रखना चाहते कि कल कोई उठकर बड़ी भीड़ जमा करके हमारे इंडिया गेट पर, हमारे राष्ट्रपति भवन पर, हमारे संसद पर कब्जा जमा ले और हमारे नेताओं को, हमारे मिनिस्टर्स को उनसे बातचीत करने के लिए जाना पड़े। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। तो कैसे चलता है? देश की राजधानी में एक बस खुलेआम सड़कों पर जुर्म करते घूम रही थी, एक आदमी को लूटा गया, वो आदमी पुलिस के पास जाता है और ये सब उस लड़की और उसके दोस्त के बस में चढ़ने से पहले हुआ। अगर पुलिस उसी वक्त कुछ करती तो इस अपराध को होने से रोका जा सकता था, एक आम आदमी की शिकायत तक दर्ज नहीं होती। इसे क्या कहेंगे आप, डेमोक्रेसी? इस मामले में हमने एक जांच शुरू कर दी है। देश के हर आम आदमी की तरह सरकार भी इस घटना से बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है। हमें इस मामले पर शांति और संयम से काम लेना चाहिए। शांति और संयम, हमारी कानूनी प्रणाली, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार ऐसे अपराधों से बड़े आराम से, संयम से और शांति से निपटती है। लेकिन इस बार लोगों की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। इस अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश की राजधानी की सड़कों पर चलती एक बस में जुर्म हो चुका था। अरे
अरे मोहन भैया पूरे आजार हैं, पांच खंबे आराम से आएंगे, आज तो हम सब दारू में गोते लगाएंगे गोते। वो देख छोटू बटा। ओ भाई द्वारका। अरे मालूम यार जाओगे भाई? बिल्कुल जाएंगे, आ जाओ बहन जी भेजो। चलो सर। बैठ। एक टिकट के 20 रुपए होंगे भैया जी। छोटो वो 0 लौंडिया की टिकट का क्या रेट है? ओ भाई क्या बदतमीजी आई। हाँ? अबे इतनी रात को चिकनी को अकेले घुमा रहा है, जान जला रहा है हमारी, वो बदतमीजी नहीं है क्यों भाई? अरे ड्राइवर ये कैसे लोगों को बस में बिठाया आपने, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। आप गाड़ी रुको, हम यहीं उतरेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम। चलो भाई गाड़ी तो तभी रुकेगी जब डीजल खत्म होगा। अच्छा तभी रुकेगी, तो मैं रुकवाता हूँ फिर, लगाता हूँ पुलिस को फोन। रुको तुम कड़कती ठंड में सुहासी और नीलेश बुरी तरह से घायल हमारे देश की राजधानी की सड़क पर पड़े थे। गुजरती कई गाड़ियों ने नीलेश की चीखें सुनी, गुजरती हर नजर ने दोनों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेटेस्ट ऐप वाले कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन में से पुलिस या एम्बुलेंस को एक भी फोन नहीं गया। 2012 में गांधी जी के 3 बंदर एक नया मंत्र पेश कर रहे थे, अन्याय मत सुनो, अन्याय मत देखो और उसके बारे में अपना मुंह बंद रखो। ये 3 बंदर सिर्फ पॉलिटिशियंस, पुलिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट में नहीं बल्कि आपके और हमारे जैसे लोगों के अंदर भी बसते हैं। हम करुणा से गदगद तो हो उठते हैं लेकिन खुद नहीं उठते, इंसानियत का कर्ज नहीं अदा करते, नागरिक होने का फर्ज नहीं अदा करते। सहानुभूति की वो शमा, वो कैंडल, वो मोमबत्ती ऐन वक्त पर बुझ गई जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर आखिरकार बेरुखी के शर्मनाक अंधकार में एक चिंगारी चमकी, कुछ इंसान इंसानों की तरह पेश आए। क्या हुआ? ये यार शिट। क्या क्या हुआ भाई? सुहासी भाई बेहोश है। अरे भाई कुछ तो बोल, आखिर हुआ क्या है? मानव तू PCR लेके आ जो हमने क्रॉस की थी, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। शिट यार क्या हालत कर दी। Thank you.
सुहासी, सुहासी। पीसीआर 16 रिपोर्टिंग सर। महिपालपुर फ्लाईओवर के पास एक लड़का की बेहोश मिले हैं। लड़के में थोड़ा होश बाकी है, लड़की की हालत बहुत खराब है सर। ओवर एंड आउट। सर लड़का शायद स्टेटमेंट दे पाएगा, थोड़ा होश है अभी। कह रहा है उसे और लड़की को बस से फेंका गया है। कहाँ ले गए उन्हें? लिम्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स और हेड इंजरीज हैं सर, बेसिक सुचर्स कर दिए हैं। बहुत बुरी कंडीशन है सर। पुलिस केस है? रेप केस है, लेकिन मैंने इतना हॉरिबल रेप मैंने आज तक नहीं सर। ये रेप नहीं है, ये मैडनेस है। बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे अटैक नहीं हुआ हो। एंड सर शी इज व्हाट डॉक्टर स्मिथ सर, इसकी एक्सटर्नल बॉडी के साथ साथ इसकी इंटरनल बॉडी पर भी अटैक हुआ है, और वो भी बुरी तरह। डबल डोज मॉर्फिन दिया है सर। सर ये दो लोग थे जिन्होंने पहले देखा और बाद में हमें इन्फॉर्म किया। लड़का या लड़की कुछ बोले तुमसे? सर लड़का थोड़े होश में था, उसका नाम नीलेश है, उसने लड़की का नाम सुहासी बताया सर। वो दोनों उसी बस में थे, छह लोगों ने उन पे हमला किया सर। कौन सी बस थी? प्राइवेट बस थी सर। लड़का बता रहा था उस पे शेखरी ट्रेवल्स लिखा हुआ है, हमारी दूसरी पीसीआर टीम उसको फॉलो कर रही है सर। और फोर्स लगा दो इसे ढूंढने सर। वैसे बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? सर मुनीरका से आ रही थी, जा कहाँ रही थी पता नहीं सर। सुहासी कैसी है? वो ठीक है, वो दूसरे आईसीयू में। वो ठीक है, आप प्लीज आराम कीजिए, आप लेटिए, वो ठीक है बिल्कुल। प्लीज आप लेट जाइए। डॉक्टर मुझे सुहासी से मिलना है, वो कैसी है? देखिए आप उससे मिल पाएंगे लेकिन अभी नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कई फ्रैक्चर्स हैं आपको। सच बताइए डॉक्टर, वो ठीक तो है? देखिए सुहासी बिल्कुल ठीक है। आपका नाम? सुहासी तुम मुझे सुन सकती हो? नीलेश कहाँ? बगल के आईसीयू में है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे मदर फादर को बता दिया है, ऑन द वे है। मेरे साथ जो हुआ, प्लीज मेरी फैमिली को मत बताइएगा, उन्हें आने से रोकिए, मुझे घर जाना है। मैं चली जाऊंगी, क्या मैं अभी जा सकती हूँ? सॉरी सुहासी, तुम अभी घर नहीं जा सकती, तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा। तुम बुरी तरह से घायल हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुहासी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं जो छुपाई जा सके, तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही होगा। डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। किसका फोन है जी? सुहासी कहाँ है क्या? नहीं कोई और ही नंबर है। हेलो क्या हुआ? क्या हुआ जी? सुहासी ठीक तो है ना? हाँ हेलो
हाँ एडवोकेट हरीश बोल रहा हूँ। क्या? हाँ शालिनी, शालिनी उठो। क्या हुआ जी? दिल्ली के अस्पताल से फोन आया था। अस्पताल से? नीलेश तो ठीक है ना जी? उसका एक्सीडेंट हो गया शालिनी। ये सब मेरे कारण हुआ सर, हमें वो बस नहीं लेनी चाहिए थी। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, बचा नहीं सका उसे। हम बहुत जल्दी उस बस को ट्रैक कर लेंगे, उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास। वो 6 लोग थे, ड्राइवर कंडक्टर इंक्लूडेड। काफी शराब पी रखी थी उन्होंने। उन्होंने मेरे सर पे सलिए से वार किया, सुहासी को नहीं बचा सका सर, नहीं बचा सका उसे। मैं सुहासी को सेफली घर पहुंचाना चाहता था सर, बट रात के 9 बज गए थे, हमें तभी से उसकी चिंता होने लगी थी। कहकर गई थी माँ, माँ मैं रात को घर पे आके खाना खाऊंगी। हमें लगा था सर चलो नीलेश जी साथ में है, हम सब लोग उनको जानते हैं सर, वो दीदी के अच्छे दोस्त हैं। ये सब मेरे मेरी सुहासी के साथ ही क्यों, मेरे मेरे बच्ची के साथ ही क्यों, क्यों मेरी बच्ची के साथ? हाँ ठीक। गौरव, दिल्ली के हमारे जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा दो, गुड़गांव और गाजियाबाद के भी। हमें किसी भी सूरत में वो बस ढूंढनी है, हर हाल में ढूंढनी है। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जानवरों से बत्तर पीटा गया है, 6 लोग थे, 6 के 6 मुझे हिरासत में चाहिए। अभी अभी फोन आया कि राकेश धवन नाम का मिस्त्री रिपोर्ट लिखाने आया है। इस कांड से थोड़ी देर पहले इसी बस में इन्हीं 6 लोगों ने उसे भी लूटा है, उसके दिन भर की कमाई और मोबाइल सब कुछ छीन लिया। कानून मजबूत होना चाहिए और सजा कठोर, कोई दो राय नहीं है इस बात में, लेकिन डेथ पेनल्टी ये तो किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। लेकिन मौत की सजा का डर क्या अपराधियों को रोकने में कारगर साबित नहीं होगा? जुर्म कानून या सजा के डर से रुकेगा या कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने से? अगर आपकी कानून व्यवस्था मजबूत है तो जुर्म अपने आप ही लड़खड़ाने लगेगा। अगर उस रात पहला जुर्म हुआ उसी के बाद बस को रोक दिया जाता और कार्रवाई की जाती तो दूसरा जुर्म होता ही नहीं। अगर उस लूटे हुए आदमी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो हम कानून बदल सकते हैं, उसे और सख्त बना सकते हैं, पर क्या इससे सब कुछ बदल जाता है? उन लोगों की प्रवृत्ति का क्या जिन्हें इस कानून का पालन करना है? अगर उनमें ही बदलाव ना आया तो इस सख्त कानून का मतलब क्या है? तुम कहां से चढ़े थे? आरकेपुरम से साहब, घर जा रहा था मैं वसंत बिहार, बीच में उन बस वालों ने मेरे 1000 रुपए और मोबाइल सब लूट लिया साहब। ये रात 9 बजे हुआ? जी साहब। तुरंत पुलिस के पास क्यों नहीं गए? गया तो था साहब, जैसे मुझे उन लोगों ने बस से उतारा वैसे ही मुझे वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हुए दिखे। मैंने उन लोगों से सारी बातें बताई लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी साहब, मेरी मदद तक नहीं की, और ऊपर से कहा कि 100 दबाकर पुलिस कंप्लेन दर्ज कराओ। मैं कैसे करता साहब, उन लोगों ने मेरा मोबाइल तो छीन लिया था। ठीक है, तुम अपनी कंप्लेंट ठीक से रजिस्टर करवा दो, हम देखते हैं क्या कर सकते। जी साहब। सर एक मैकेनिक से खबर मिली है, सेखरी ट्रेवल्स नोएडा से ऑपरेट करती है। इसके मालिक को तुरंत हाजिर करो, ये केस बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, शायद रोका जा सकता था। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और शायद रोका जा सकता था, शायद उस रात भी जब ये वैश्याना जुर्म हुआ और तब तब भी जब जब ऐसे बर्बरतापूर्ण जुर्म होते हैं रोके जा सकते हैं शायद। कानून पर बहस छिड़ी, उंगलियां उठी, आरोप लगे, गुस्सा उफन कर सड़कों पर उतरने लगा। ऐसा लगा कि दिसंबर 2012 में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा शायद। क्या वाकई कुछ बदला? कहने को हमारे देश में औरतों को हर तरह की आजादी, हम कहीं भी कभी भी जा सकते,
लेकिन क्या वाकई में है ये आजादी? आज तो नहीं, लेकिन इस देश की नागरिक होने के नाते मैं एक ऐसे वक्त की कल्पना जरूर करती हूँ जहाँ पे औरतों को कभी भी किसी तरह का खौफ, किसी भी तरह का डर ना हो। जी हाँ साहब, ये तो मेरी बस है, सिकरी ट्रेवल्स की। इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तो मेरे ड्राइवर मोहन सिंह के पास है। यहाँ पर क्यों नहीं है? साहब वो क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही है तो सुबह तो ये बस निकलती नहीं है, इसलिए ड्राइवर के पास ही रहती है। सालों से यही सिस्टम रहा है। अभी के अभी मोहन सिंह और उस बस को यहाँ हाजिर करो। और सुनो, मोहन सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसे बुलाया। अगर वो भाग गया तो सोच लो तुम्हारी खैर नहीं है सिकरी। जी साहब। हाँ सेठ। अरे मोहन कहाँ हो तुम? बस में सोया हूँ सेठ। अच्छा एक शादी की पार्टी है, गाजियाबाद लेकर जाना। तुम अभी के अभी बस लेकर यहाँ आ जाओ। देखो पार्टी यही दरवाजे पर है, जल्दी आओ। आधे घंटे के टाइम से पहुँचता हूँ सेठ। साहब वो बस लेकर आधे घंटे में यहीं आ रहा है। साहब साहब अब तो बता दीजिए बात क्या है। तुम्हारी बस स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती है? जी सर। कोई प्रॉब्लम है? परमिट है? जी हाँ जी है। दिल्ली इलाके का पैसेंजर परमिट है? नहीं साहब, मेरी तो स्कूल के बच्चों को ले जाने की बस है। दिल्ली इलाके से तो मैं पैसेंजर उठाता ही नहीं। तो अब समझ लो तुम्हारा धंधा उठने वाला है अमरीश सिकरी, और शायद तुम भी। साहब फाइल देना। सर बीपी और पल्स रेट कहीं के कहीं है। प्लेटलेट काउंट कल से काफी ड्रॉप हुआ है, 48,000। वर्कर अप फॉर सर्जरी, उसे अभी का अभी ओटी ले जाना होगा। आप हट जाइए, मुझे सुहासी से मिलना है। सर, ऐसी कंडीशन में आपको बेड छोड़ने की परमिशन नहीं है। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप हट जाइए। सर संभाल के। सर जब डॉक्टर आएंगे तो प्लीज आप उन्हीं से बात कर लीजिए। सच सच बताइए नर्स, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? वो उनका ऑपरेशन चल रहा है, मुझे अभी मिलना है। बेटे ये सब क्या है? कैसे हो बेटे? इसी दौरान इस भयंकर जुर्म की खबर तेजी से फैल रही थी। मुनीरका से उठाया था दोनों को। बाकी पांचों कहां हैं? होंगे कहीं, मैं नहीं जानता। हाथ में काटा था उसने मेरे को। हाथ पर काटा था ना, ले मैंने तुझे थप्पड़ मारा। चले एक और। अब बोल मोहन सिंह, बाकी के पांचों कहां? नहीं तो तेरे पांच टुकड़े होंगे। भेज दिया था उनको, अपने अपने घर भेज दिया था। अबे ठरकियों सालों, ओए उठ, अरे ओए उठ, उठो ओए छोटू, उठ बे, तेरे बाप की गाड़ी क्या? हाँ हिसाब करो पूरी, एक भी निशान नहीं दिखना चाहिए ठुल्लों को, समझे ना? छोटू जरा ये तीनों फोन अपने पास रख, तब तक बोलू नहीं बेचियो मत। बिल्कुल उस्ताद। तुम लोग भी सेफ्टी के लिए अपने घर में जाओ, वहीं पड़े रहो। अपनी तरफ से साफ सुथरा होगा ना, बढ़िया रहेगा। जाओ, मैं बस में ही सोता हूँ। चलो फटाफट।
सभी अपने अपने घर चले गए। पांचों का एड्रेस बोल। रामदास कॉलोनी सर, डीसीपी मैडम का पॉलिस। पांचों के नाम बता। जैन मैम। उस रेप केस में क्या प्रोग्रेस है? वो बस हमारी हिरासत में है मैम। मेन एक्यूज ड्राइवर मोहन सिंह भी हमारी हिरासत में है। और बाकी पांच? उनका पीछा हो रहा है मैम। पीछा बंद करो और पांचों को पेश करो। मामला गर्माता जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है। बस एक दो दिन की बात है मैम, सभी आरोपी लॉकअप में होंगे। Are you joking? मुझे एक दो घंटे भारी पड़ेंगे। सिचुएशन को समझो। यस मैम। सर बाकी पांचों का पता चल गया है। एक है मनोज सिंह, इस मोहन का भाई, वो भी ड्राइवर है। फिर गोविंद सिंह है, बस में हेल्पर का काम करता है। हंसराज मलिक फल फ्रूट का ठेला चलाता है आरकेपुरम में। पांचवा है रवि कौशिक, एक जिम में काम करता है। और छठा है छोटू, उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। सर ये छोटू मोहन के अलावा बाकी सबसे उस दिन शाम को ही पहली बार मिला था। छोटू को छोड़ के बाकी सबके एड्रेस भी मिल गए। तीन टीम्स बनाओ, हमें अभी कभी निकलना है। सर मूव। हमने विक्टिम पर ऑपरेट किया है और अभी के लिए शी स्टेबल। हमने सुना है कि लड़की पर बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ है। अपने 30 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने आज तक इतना बुरा केस कभी नहीं देखा। सर लड़के की हालत अब कैसी है? लड़के को भी सीरियस इंजरीज हुई थी लेकिन हमने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया है। कल तक शायद वो डिस्चार्ज हो जाए। सर खबर मिली है कि गैंग रेप के बाद सुहासी को काफी मारा पीटा गया है। कैन यू प्लीज इलैबोरेट? गैंग रेप के बाद सुहासी पर इतनी हैवानियत के साथ आक्रमण किया गया है कि हम शायद उसे डिस्क्लोज भी नहीं कर पाए। लड़की की कंडीशन सुधरने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, लड़की फाइटर है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली दर्द से लड़ रही है और वो हमें ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो बहुत जल्दी इस भयंकर हादसे को सर्वाइव कर जाएगी। मैम सच सच बताइए, सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं? कंडीशन क्रिटिकल है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि उस बच्ची के पूरे शरीर को काट काट कर छलनी कर दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स पूरी तरीके से डैमेज्ड हैं, उसकी इंटेस्टाइन डैमेज्ड है, उसकी एक रिप टूटी हुई, इतनी क्रिटिकल है। फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, शांति रखिए, दुआ कीजिए कि सुहासी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मनोज को बुलाइए। वो तो सुबह ही घर से निकल गए। मेरे दोनों बेटे मोहन और मनोज वाकई में सर फिरे हैं। मनोज कहाँ है? पता होता ना तो खुद घसीट कर ले आती यहाँ। लेकिन ये दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं। कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता नहीं, और माँ को तो कभी कुछ बताते ही नहीं है। रोज रोज की मार पीट गाली गलौज। मनोज का कोई तो दोस्त होगा जहाँ वो जा सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड्डा, कुछ तो पता होगा आपको। मैंने कहा ना आपसे मैं नहीं जानती। बताना अपनी माँ को कल रात को क्या कांड किया तूने। बोल ना। बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ था? बोल, बोलता क्यों नहीं तू? लेके चलो। क्यों नहीं तू? नहीं, नहीं कर सकता रवि। सर गोविंद सिंह और छोटू ये दोनों बाकी हैं। बाहर निकल। कहाँ है गोविंद सिंह और छोटू? या फिर मंगवाऊं कहीं से लोहे का सरिया? सर गोविंद और छोटू रात को कमरे पे ही थे गोविंद के, सुबह तक थे सब, पर अभी कहाँ गए पता नहीं सर। सब माँ का समझा। कहाँ है गोविंद सिंह और छोटू? मुझे नहीं पता सर, सच्ची मैंने कल रात के बाद उन दोनों को नहीं देखा था। नहीं 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 मारो मारो मारो। निया पूरी बस को साबुन का पानी से धोया हुआ लगता है। बड़ी डिटेल क्लीनअप हुई है सर। हमें कुछ लंबे वालों के स्टेट मिले हैं जिन्हें विक्टिम के वालों से मैच करना होगा। इस केस को सुलझाने में पुलिस ने जी जान लगा दी। आम लोगों का क्रोध और आक्रोश दबाव का काम कर रहा था, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में प्रशासन के खिलाफ विरोध, आंदोलन और कैंडल लाइट विजिल जारी थे। लोगों के उबलते गुस्से ने प्रशासन को जगा दिया था। ये
अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कब वो पीठ पीछे मेरी बस ले गया। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। तुम ट्रेवल एजेंसी के मालिक हो, बस तुम्हारी है, परमिट तुम्हारे नाम पर है और चेक नहीं करते कि बस किस लिए इस्तेमाल हो रही है। तुम्हारा ड्राइवर बस को नशे में चलाता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी स्कूल के बच्चों का ड्राइवर। साहब मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। सर झूठ बोल रहे। इसकी बस का रजिस्ट्रेशन DL41SK1906। पिछले दो साल में 8 बार फाइन हुआ है इसकी बस पर। किस लिए? बिना परमिट के सवारी बिठाती थी इसकी बस। 8 बार फाइन लगने के बावजूद ये गैर कानूनी धंधा चल रहा था, बिना परमिट के सवारियां उठा। सब वो तगड़ी घुस जाती होगी तेरी जेब, तू भी अच्छा खासा कमाता होगा। सब गौरव सर, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को रिपोर्ट भेजोगे, साले की सारी बसें जब्त करें और लाइसेंस भी कैंसिल करें। नहीं सर, सर ऐसा मत कीजिए, मैं बाल बच्चे वाला आदमी। वो लड़की भी किसी की बच्ची है जो इस वक्त बहुत दर्द से गुजर रही है, ताप रही है, उसकी इस हालत के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं और तू भी। हिरासत में लो इसे। चल मेरी बात तो सुनो आप, मेरी बात। साहब उस लड़की के साथ हम सब ने बारी बारी से किया साहब। उस लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा? साहब मैंने सिर्फ उस लड़के को धोया था, उससे पंगा लेता काफी धोया सर मैंने उस बंदे को। मैं कबूल करता हूँ सर, मैंने लड़की को नहीं मारा साहब, लड़की को मोहन भैया ने मारा सर, ये से मारा साहब। हाँ मारा, लड़की को सरिये से मारा। ठीक करता है तुझे पब्लिक के हवाले करता हूं और बता दूं कि यही है वो दरिंदा। हाँ तो कर दो ना साहब, आप मारो, पब्लिक मारे या सरकार फांसी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो किया सो किया, जीऊं या मरूं। तेरा भाई मनोज कहां है? कहां है मनोज? अलवर, राजस्थान गया होगा। जब उसका दिमाग घूमता है ना, अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है वो। गोविंद और छोटू, मैं उसकी माँ हूँ क्या? और दूध पीते बच्चे हैं क्या? और सबका ठेका लेके रखा है क्या मैंने? गए होंगे साले, भाग गए होंगे डरपोक कहीं के। हेलो, SHO अश्विन मीर अलवर थाना। मीर साहब, दिल्ली वसंत विहार थाने से PI तलवार बोल रहा हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कल रात यहाँ दिल्ली में गैंग रेप हुआ है, खबर है कि एक आरोपी आपके इलाके में छुपा है। अगर ऐसा है इंस्पेक्टर, तो उस साले की जो भी डिटेल्स है हमें बता दो, घसीट लेंगे। अलवर पुलिस ने मनोज सिंह को धर लिया है। गोविंद और छोटू, सर खबरियों ने बताया कि ये छोटू बदायूं यूपी का रहने वाला है, 5 साल पहले घर से भागा था, पहले आनंद विहार ISBT में धक्का मार का काम करता था और ये गोविंद औरंगाबाद बिहार को बिलोंग करता है। इसकी फैमिली वहीं है, ससुराल भी, औरंगाबाद पुलिस को भी इत्तला दे दी। गुड, मुझे हर घंटे फॉलोअप चाहिए, दोनों स्टेशन पर प्रेशर बनाए रखो। सर 6 थे, 4 हमारी कस्टडी में है, बाकी 2 का लोकेशन आइडेंटिफाई हो गया, चंद ही घंटों में दे विल बी कॉट सर। जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है आनंद। इट इज सर। और कुछ सीरियस लैप्सेस भी हुए हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरफ से? एग्रीड सर, डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक वाकई बहुत गुस्से में है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई तो सब कुछ आउट ऑफ हैंड हो जाएगा, इस एजिटेशन को रोको। आउट ऑफ हैंड नहीं होने देंगे सर, जितनी जल्दी गुनहगार पकड़े जाएं सबके लिए अच्छा है। क्यों नहीं सिखाते माँ बाप अपने बेटों को औरतों की इज्जत कर? जब तक माँ बाप अपने बेटों को ये सबक नहीं देंगे ना, तब तक बेटों में बदलाव भी नहीं आएगा। जब मसला हमारे घर की बहु बेटियों का होता है तो हम जाग जाते हैं, लेकिन जब किसी और पे अत्याचार होता है ना, तो हम देख कर भी चुप रह जाते हैं। हमें क्या करना, कौन सी हमारी बहु बेटी की बात है? क्यों नहीं झांकते हम अपने अंदर, क्यों नहीं बदलना चाहते हम अपने आप को? सच कह रहे हैं साहब, गोविंद यहां आया ही नहीं। 2 साल हो गए, उसका चेहरा तक देखा नहीं, जब से शादी हुई है वो यहां आया ही नहीं। उसके घर वाले भी उसे छोड़ करके चली गई, बहुत पीता था साहब, गलत धंधे करने लगा था। पत्नी कहां है उसकी? हमने सुना था 15 दिन पहले लौटी थी उसके पास, उसके आगे हमें कुछ नहीं पता सर। उसकी पत्नी यही औरंगाबाद में है ना? हाँ सर। जब तक हम गोविंद को पकड़ नहीं लेते, आप दोनों यहीं रहेंगे औरंगाबाद में।
साहब, छोटू यहाँ परसों आया था, फिर अचानक से गायब हो गया। हाँ साहब, पूरे 5 साल के बाद तो अपनी शक्ल दिखलाई है उसने। इतना सा था तभी घर छोड़कर भाग गया था वो। यूं ही चला गया बिना कुछ बताए हुए? हाँ साहब, ऐसा ही है वो बदमाश। 5 साल पहले भी भागा था ना, तो एक शब्द नहीं बोला, बस गायब हो गया। बाद में पता चला साहब, चोरी की थी साले ने। इस बार कहाँ मुंह काला किया है उसने? सामूहिक बलात्कार कांड में शामिल है आपका छोटू। अखबार नहीं पढ़ते? दिल्ली में जो बड़ा बलात्कार कांड हुआ है उसमें शामिल है वो। साहब अंधा नहीं हो। अगर हमें पता चला ना कि तूने उसे कहीं छुपाया है, तो बस इतना समझ लो कि सब के सब बहुत बुरे फंसोगे। ये सब छोटू से बरामद हुए सर। साहब जी, ये वाला मोबाइल मेरा है, ये पहला वाला। हाँ सर, ये मेरा ही फोन है और ये सुहासी का फोन है सर। एटीएम कार्ड भी मेरा ही है। 6 के 6 आरोपी हमारी हिरासत में है, हम उन्हें जल्दी ही कोर्ट में पेश करेंगे। सर, जिसने मुझसे टिकट के लिए पैसे लिए और मेरा मोबाइल छीना, वो इनमें नहीं है सर। वो इन सब में दिखने में सबसे छोटा था सर। बाकी सबको पहचानते हो? जी सर। पहला ड्राइवर था, मैंने इसे बस रोकने के लिए कहा था। अरे ड्राइवर, आप गाड़ी रुको, हम यहीं उतरेंगे। दूसरे ने सुहासी पर गंदे कमेंट्स पास किए थे। वो जीरो लौंडिया की टिकट का क्या रेट है? तीसरा, इसने सुहासी पर हमला किया था सर। चौथे और पांचवे ने मुझ पर हमला किया था। सुहासी के कंडीशन में मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, अब वो होश में, उसके वाइटल पैरामीटर्स नियर नॉर्मल है, मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड कर रही है और थोड़ा बोल भी रही है। उसने सॉलिड फूड की मांग भी की है, पर हम उसे इस कंडीशन में सॉलिड्स नहीं दे सकते। उसे आईवी से फीड कराया जा रहा है, पर यस, हम सभी उसकी रिकवरी को लेकर बहुत सेटिस्फाइड हैं। सुहासी, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन प्लीज मुझे तुमसे कुछ सवाल करने होंगे। वो लोग पकड़े गए। मैं यस वासी, वो पकड़े गए। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी। तुम्हें जस्टिस मिलेगा सुहासी,
और हम सब उसी के लिए वर्क कर रहे हैं, और उसके लिए ये कुछ जरूरी सवाल हैं, इनके जवाब तुम्हें देने होंगे। मिसेस गुप्ता, कुछ प्रोसीजर्स हैं, ये हमारे कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि आप इनसे पूछें। मुझे मेरा काम पता है, और कैसे करना है वो भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस केस के बॉटम तक पहुंचना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यस श्योर, लेकिन आपको समझना होगा मिसेस गुप्ता, कुछ प्रोसीजर्स हैं। देखिए, हम इस केस को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कर सके। तो आपको क्या लगता है, मैं कुछ और चाहती हूँ, कुछ और कर रही हूँ मैं? आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कीजिए, समझे आप? मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश आप मत कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनना मेरा करियर एम्बिशन नहीं है, ये मेरे लिए पापा को थैंक्स करने का एक जरिया है। यू नो, मेरे एजुकेशन के लिए पापा ने अपने खेत तक बेच दिए। मुझे भी लगता है तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। मैं तो तुमसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। मुझसे? जिस तरह से तुम आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, 100% क्लियर करोगे, और वो भी मेरिट लिस्ट के साथ। होपफुली। तो चलो, कम से कम इस तरह हम दोनों के फ्यूचर्स बन जाएंगे, और फिर इस तरह हमारे फ्यूचर्स मिलेंगे भी। जहां एक तरफ सुहासी मौत से डटकर जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लोग, सारे भारतवर्ष के लोग बदलाव के लिए जूझ रहे थे। वो सिर्फ कानून नहीं, दृष्टिकोण में बदलाव की मांग कर रहे थे। खासकर महिलाओं के प्रति हो रहे जुर्म को लेकर प्रशासन का, पुलिस का रवैया बदलना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि कानून की रक्षा करने वाले भी हमें इज्जत दें, हमारे प्रति संवेदनशील हों। कोई भी औरत पुलिस स्टेशन जाते वक्त अपने आप को डरा हुआ महसूस ना करे, उसकी बात सुनी जाए, उसे न्याय मिले। क्या औरत के रूप में जन्म लेना एक गलती है? मुझे गर्व है अपने औरत होने पर। गलती है उन नजरों की जो औरतों को इज्जत नहीं देते। बरसों खामोशी से सब सहती जनता का संयम अब टूट चुका था। लोग सड़कों पर उतर सवाल पूछने लगे, जवाब मांगने लगे। उन्हें जवाब देने के बजाय प्रशासन ने उन पर लाठियां बरसाई। उन्हें बिखेरने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। पूरे देश ने यह नजारा टेलीविजन पर देखा, और तब हर देशवासी के मन में यह सवाल उठा, ये पुलिस फोर्स उस रात कहां थी? विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा था। प्रशासन द्वारा ये वजह बताई जा रही थी, और कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को कुछ स्वार्थी तत्व गुमराह कर रहे हैं, उन्हें काबू में लाना जरूरी था। पर इस बार भी भुगत कौन रहा था, बर्दाश्त कौन कर रहा था? चर्चा, बहस, वाद विवाद, राय, हर न्यूज चैनल पर जैसे मेला लगा था। हर एक अपना मुद्दा, अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहा था। दिसंबर 2012 ने पूरे देश को जगा दिया। दिसंबर 2012 ने बहुत कुछ बदल दिया। चले, खासकर इस तहकीकात से जो सच सामने आया है कि सबसे बर्बर और क्रूर एक माइनर था, उस वजह से जुवेनाइल यानी कि किशोर उम्र में उसकी परिभाषा में बदलाव करने, उसे कम करने की मांग हर तरफ से उठ रही है। हमने इस मुद्दे पे काफी चर्चा की, और हमारी राय में जुवेनाइल की उम्र कम नहीं की जा सकती।
हमारा अपना ये तजुर्बा कहता है और इसके साथ जुड़े हुए तमाम रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मानते हैं कि इस अपराधी का अपराध माफी के लायक नहीं है, बहुत ही घृणास्पद है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते। एक अपराधी की वजह से उम्र कम करने का फैसला नहीं लिया जा सकता। आरोपी को हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार और गैरकानूनी साजिश और सबूत मिटाने के अपराध में कसूरवार करार देते हैं। ये कमिटी मुजरिम को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाती है। सब कुछ मेरी पढ़ाई पे चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा पापा? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सुहासी, और किसी चीज के बारे में ना सोच ना फिकर कर। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाएगी, और तू जिस दिन डॉक्टर बन जाएगी ना, तब हमें लगेगा कि ये तकलीफ, ये परेशानी कुछ भी नहीं थी, और फिर ये तेरे दोनों छोटे भाई भी तो तुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। पापा, आपने मेरे लिए जो सपना देखा उसे मैं पूरा करके रहूंगी। मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी पापा। अब मैं ट्यूशन लेना शुरू करती हूँ। अब कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी तो होनी चाहिए ना पापा। पापा, आप थक गए होंगे ना, आराम कीजिए। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, तेरी तकलीफ के आगे मेरी थकान कुछ भी नहीं। फिर भी पापा, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं भी सो जाती हूँ। सो जा बेटा। बोलिए ना, क्या हुआ सुहासी को? बोलिए ना, कोई मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ सुहासी को? सुहासी, क्या हुआ सुहासी को? सुहासी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है सर। सर, प्लेटलेट्स रैपिडली डाउन हो रहे हैं सर। Fasido! 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 Fas
लगभग 9 महीने और 130 सुनवाइयों के बाद प्रोसिक्यूशन के 80 गवाह और बचाव पक्ष के 18 गवाहों की गवाही के बाद आखिर आज फैसले का दिन आ गया। गुनहगारों में से एक मोहन सिंह जेल में खुदकुशी कर चुका है। छठे नाबालिग अपराधी को जुवेनाइल कोर्ट ने सुधार गृह में 3 साल की सजा दे दी है। अब सुहासी का परिवार और पूरा देश बाकी 4 आरोपियों के फैसले का इंतजार कर रहा है। आखिर इस वैश्याना अपराध की क्या सजा मिलनी चाहिए इन्हें? आजीवन कारावास या फांसी? क्या होना चाहिए इनका फैसला? आपकी राय हमें बताइए इस नंबर पर। प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से इस केस को अदालत के सामने रखा है। इस केस की जांच में दिल्ली पुलिस ने जो भूमिका निभाई उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये कोर्ट अक्यूज्ड रवि कौशिक, गोविंद सिंह, हंसराज मल्लिक और मनोज सिंह को दोषी करार देती है। इनके अपराध हैं आईपीसी सेक्शन 365, गलत इरादे से किसी को बंधक बनाने के लिए अपहरण करना, सेक्शन 395, डकैती, सेक्शन 412, डकैती द्वारा चुराई गई किसी की संपत्ति को अपने पास रखना, सेक्शन 307, हत्या की कोशिश, सेक्शन 376, सबसेक्शन 2G, सामूहिक बलात्कार, सेक्शन 366, किसी भी महिला का शादी के लिए या शारीरिक संबंध के लिए अपहरण करना या दबाव डालना, सेक्शन 377, अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शन 397, डकैती के साथ हत्या करने की कोशिश या गहरी चोट पहुंचाना, सेक्शन 302, मर्डर, सेक्शन 201, जुर्म से जुड़े सबूतों को छुपाना या मिटाना, और सेक्शन 120, सबसेक्शन बी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट इस केस की सेंटेंसिंग कल सुनाएगा। शर्म की बात है, बहुत जघन्य अपराध किया है। मैं इनके लिए फांसी चाहूंगा। डेथ पेनाल्टी, इससे कम कुछ नहीं। हमने संसद में नए कानून बनाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जज इस केस में कड़ी से कड़ी सजा देंगे, फांसी। ये एक बहुत ही हैवानियत भरा जुर्म था। मुझे यकीन है इसमें सारे अपराधियों को मृत्युदंड मिलेगा। नहीं, इस मसले को हमें होलिस्टिकली देखना होगा। जो भी उस लड़की के साथ में हुआ वो हैवानियत से कम नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। इस केस ने पूरे देश की तरह हमें भी हिला कर रख दिया, लेकिन इस रिपोर्ट में हम डेथ पेनल्टी की सिफारिश नहीं कर सकते। हमें रेप से जुड़े कानून को सख्त बनाना होगा और उसके लिए हमने काफी प्रोविजन भी किया है। हमें मानना होगा कि बहुत हद तक प्रशासन भी दोषी है। किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस से, चाहे वो हैरेसमेंट हो या छेड़छाड़ हो या फिर स्टॉकिंग और इवन वॉयरिज्म या एसिड अटैक, हमें उनसे सख्ती से निपटना होगा। हर स्तर पर, हर अत्याचार पर कठोर भूमिका लेनी होगी। पुलिस के साथ साथ इन जुर्मों को जानने वाले आम नागरिकों को चाहिए कि ऐसे मामलों में केस रजिस्टर करवाएं। साथ ही पुलिस को कानून और सिर्फ कानून के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जिन हाथों को कानून की रक्षा करना है वे हाथ नेताओं के हाथों के कठपुतली नहीं हो सकते। हर बदलाव सबसे पहले शुरू होना चाहिए ऊपरी स्तर पे। वहाँ तब्दीली होगी तो उसका असर नीचे तक दिखाई देगा, यानी कि हमारे राजनेताओं को, हमारे कानून बनाने वालों को अपनी सिस्टम में बदलाव लाना होगा। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए अब बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया है। हम इस फैसले से खुश हैं, बस यही उम्मीद करते हैं कि उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी बच्ची ने जो तरसा है वो लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। सिंकिंग सर, फ्रेंकली बहुत कम चांसेस है। 48 घंटे बीत चुके हैं सर, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। देखिए, इस बच्ची को इस देश का टॉप मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, द वेरी बेस्ट। वो तो मिल रहा है सर। डॉक्टर
डॉक्टर मेहरा, सुहासी को आप ले जाएंगे सिंगापुर। हर मिनट कीमती है। दुख के साथ हमें सारे देश के सामने यह कहना पड़ रहा है कि सुहासी अब हमारे बीच नहीं रही। वो बहुत बहादुर लड़की थी, उसने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। सिंगापुर में आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2:15 पर सुहासी ने अपनी आखिरी सांस ली। ये केस एक असहाय लड़की पर 6 लोगों द्वारा अंजाम दिए गए एक बहुत ही जघन्य अपराध का है। इस अपराध की गंभीरता अपराधियों के विकृत और भयानक बर्ताव से और बढ़ जाती है। जिस अमानवीय तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, इससे ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में शामिल होता है। कोर्ट इस बात से आंखें नहीं मूंद सकती कि ऐसे जुर्म करने वालों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। ये कोर्ट इस केस के अपराधी मनोज सिंह, रवि कौशिक, हंसराज मल्लिक और गोविंद सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। हादसे को लगभग 1.5 साल हो चुके। आप इंटरनेट पे जाके देखिए, ये हादसे रुके नहीं। हमने सुहासी की मौत पर शोक मनाया, मोमबत्तियां भी जलाई, साइलेंट प्रोटेस्ट मार्चेस भी निकाले, पर क्या ये काफी था? क्या वाकई में ये काफी है? आप खुद ही सोचिए, क्या हम बदले? क्या हमने अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोई भी कोशिश की है? एक औरत होने के नाते और इस देश की नागरिक होने के नाते मैं चाहती हूँ कि औरतों के प्रति हमारा नजरिया बदले। हमें कसम खानी होगी कि जब तक ये नजरिया, ये मानसिकता बदल नहीं जाती, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे देश का इतिहास सैकड़ों वर्षों से, सदियों से ये बार बार दस्तक देता आ रहा है कि दकियानूसी और पिछड़ी हुई पुरुष प्रधान प्रथाएं हमारे समाज के लिए घातक साबित होंगी।
मशहूर और सम्माननीय अमेरिकन विमेन एक्टिविस्ट ग्लोरिया स्टेनम ने कहा था कि हमने अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह से बड़ा करना शुरू किया है, लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसी बहादुरी है जो अपने बेटों को बेटियों की तरह बड़ा करे। जरूरी है कि बेटे भी उतने ही संवेदनशील हों जितनी की बेटियां। जरूरी है कि वो समझे कि औरत होना क्या होता है। जब ये बदलाव आएगा तभी बदलेगा बहुत कुछ हमारे देश में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सबसे पहले बदलाव की जरूरत है हमारी सोच में, हमारे दृष्टिकोण में। जय हिंद।